मुतनाज़े बयान पर शफीकुर रहमान बर्क ने सफाई पेश की है और साथ ही बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात को कहा है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। शफीकुर रहमान बर्क जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही उनका बयान आया था जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मुतनाज़े बयान पर शफीकुर रहमान बर्क ने सफाई पेश की है और ख़ास तौर पर बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया गया है, ये शफीकुर रहमान बर्क ने अपने बयान में कहा है, अपनी सफाई पेश की है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसके बाद अब उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है। शफीकुर रहमान का ये बयान आया है। मुतनाज़े बयान पर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी सफाई पेश की है। बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया गया है, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है। और मुतनाज़े बयान जो कि उन्होंने दिया था तालिबान के हालात के ऊपर, अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर, उन्होंने कहा था कि अब आखिरकार आज़ादी मिली है अफ़गानिस्तान को, एक कुछ इस तरह का बयान उन्होंने जारी किया था। लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है जो मैंने कहा था। ये अल्फाज कहे थे जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से, मुझसे क्या था। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही, बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया, मैंने माना कर दिया उनसे। मैंने कहा तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ, मैंने कि मैं क्यों रहा इसमें अपनी राय, मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी। तो सुना आपने शफीकुर रहमान बर्क साहब को, सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मैंने इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया है और जो भी मैंने बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो भी हमारे मुल्क की पॉलिसी होगी उसको मैं मानता हूँ। मुतनाज़ा बयान पर शफीकुर रहमान बर्क की ये सफाई आई है जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और उन्होंने अपनी सफाई में ये बयान जारी किया है। तो इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था और हाल ही में जो खबर आई है उसके मुताबिक अब शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा बयान ही नहीं दिया है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो अपने मुल्क की पॉलिसी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संभल से शफीकुर रहमान बर्क और उन्होंने कहा है कि तालिबान की हिमायत में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस की शिकायत में कहा गया है कि बर्क के बयान से उनके जज्बात को चोट पहुंची है क्योंकि उन्होंने तालिबान का मवाजना हिंदुस्तान के मुजाहिदी आज़ादी से किया था और फिर अब ये उनका बयान आया है। तो शफीकुर रहमान बर्क की सफाई आपने सुन ली है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि शफीकुर रहमान बर्क पर केस क्यों दर्ज किया गया है, उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से उन पर केस दर्ज कराया गया है। आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है। वो अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए।